से पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य का अब इतिहास रचा जा रहा है, जिसके चलते विलासराव देशमुख, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सपुत्र रितेश देशमुख उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही बॉलीवुड में अपने पैर जमाए थे। उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले के सपुत्र अनिकेत बडोले भी फिल्म दुनिया की चकाचौंध में अपना भविष्य बनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर बने हैं, जिसके चलते अनिकेत बडोले ने 10 मराठी फिल्म प्रोड्यूस की है। आइए देखते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर आदित्य और अनिकेत, इनसे हुई कुछ खास बातचीत। नमस्कार, मैं एमएनएस न्यूज लाइव से आदित्य। आज हमारे साथ बने हैं इस जनरेशन के यंगेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोड्यूसर, मिस्टर अंकित बडोले। सर, आपकी मूवी के बारे में कुछ बताइए। मेरे मूवी का नाम दाह है और ये मूवी एक सोशल कॉज पे बेस्ड है, जिसमें हमने बताया कि जो हम प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़की है, वो काफ़ी पहले तो काफ़ी अच्छे, मतलब उसके जो लिविंग जो उनका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट बाद में उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद में वो लोगों को हेल्प करने जाती है और लोगों को हेल्प करने के लिए वो जो प्रॉब्लम्स जो फेस करती है, उस प्रॉब्लम्स को हमने दिखाया है इस मूवी में। और सर, इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? मूवी का डायरेक्टर गणेश मोडक है, जिन्होंने महेश मांजरेकर जी के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और उनके साथ हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है। इसके आपने सोचा कैसे कि आप की मूवी प्रोड्यूस करनी चाहिए इतनी कम एज में? क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में सभी को ऐसा लगता है कि आगे जाके जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए, और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प की है, तो उनके बिना ये प्रोडक्शन मैं नहीं कर पाता था। आपके पिताजी जैसे श्रीमान बडोले जी ने आपकी क्या सहायता करी है इस मूवी के पीछे? एक्चुअली उन्होंने मुझे सब लोगों से सबसे पहले मिलवाया, इस इंडस्ट्री के बारे में जो रुचि है जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, और उन्होंने गाइडेंस भी दिया है मुझे। और मुंबई में रहते मुझे आज 4 साल हो चुके हैं, और उसमें कुछ दूसरा काम करते हैं जैसा डिजिटल मार्केटिंग करते करते मुझे मूवी के, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके थे, तो धीरे धीरे मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके थ्रू मैंने सोचा कि लाइक अभी तो हम यंग है, तो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, अगर अभी नहीं लिया तो आगे बहुत मुश्किल होगा। सो वो बात को ध्यान रखते हुए मैंने ये करना चाहा। आप सिर्फ एज ए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या आपने एक्टिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में कुछ सोचा? एक्टिंग और डायरेक्टिंग के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोचा, बट आई वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी आई गेस कि आगे जाके और कुछ करें इंडस्ट्री में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जो दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, उन सभी ने स्टेप लेना चाहिए इस इंडस्ट्री में, अगर उनको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू। यह थे सामाजिक न्याय विभाग के पूर्व मंत्री बडोले, इनके सुपुत्र अनिकेत बडोले। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।